सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो स्वागत है आप लोगों का एक और MIUI 12.5 की वीडियो में। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से यहां पर बात करने वाला हूं कौन कौन से ऐसे डिवाइस हैं जिनके अंदर आपको रिसेंटली 1, 2, 3, 4 दिन के अंदर MIUI 12 है और यहां पर MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहां पर देखने को मिला है और उनकी लिंक है वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी। सो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे यहाँ पर प्रेस कर लेना, क्योंकि किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज होगा। सबसे पहले आपको न्यूज है वो हमारे चैनल पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो इसको यहाँ पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 150 लाइक का, जो कि देखते हैं आप लोग कितना जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करते हो। सो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं फर्स्ट डिवाइस के बारे में। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट डिवाइस है वो देखने को मिलता है Redmi K20 इंडिया का जो स्टेबल अपडेट है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है 12.1.4.0 और ये जो अपडेट है वो आपको MI पायलट यूजर है उन्हीं के लिए यहां पर देखने को मिला है। पब्लिक जो रोल आउट है वो आपको 1 वीक के अंदर यहां पर देखने को मिल जाएगा और जैसे ही अपडेट यहां पर रिलीज होगा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और पोको C3 का डिवाइस है उसके अंदर भी आपको एक नया अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिला है 12.0.12.0। सो इसका भी जो OTA अप्लाई है वो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर कर सकते हो। थर्ड डिवाइस आपको देखने को मिलता है MI 11 जो कि ग्लोबल स्टेबल अपडेट है 12.5.5.0 और आप लोग OTA अप्लाई कर सकते हो 12.5.3.0। और यहाँ पर गाइज आपको Redmi 9 का जो डिवाइस है इसके लिए इंडिया स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है 12.0.12.0 और आप लोग अगेन OTA अप्लाई कर सकते हो 12.0.11.0 से। और एक और डिवाइस इंडिया का MI 11X Pro, सो इसके लिए भी एक नया अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली रिलीज हो चुका है जो कि है MIUI 12.5। सो अगर आप लोग इस डिवाइस के यूजर हैं सो फटाफट से अपडेट को यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, ये कौन सा डिवाइस है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं आप लोगों का आंसर है जो कि यहाँ पर करेक्ट है या फिर नहीं। अगर आप लोग एक टेकी पर्सन हो सो इस डॉट को यहाँ पर देख के पता लगा सकते हो ये कौन सा डिवाइस है। सेकेंड डिवाइस आपको देखने को मिलता है Redmi Note 7 ग्लोबल के यहाँ पर बहुत सारे यूजर हैं जो कि इंडिया में फोन है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। मेरे पास भी Redmi Note 7 है उसके अंदर आपको ये अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि है 12.5.1.0। सो फाइनली अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। पता नहीं यार ये अपडेट इंडिया में कब तक आएंगे। सो ये भी आपको एक अपडेट देखने को मिलता है। और यहाँ पर गाइज आपको MIUI 13 के फीचर है वो भी यहाँ पर लीक हो चुके हैं जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं Redmi Note 8 ग्लोबल स्टेबल अपडेट है जो कि यहाँ पर रिलीज हो चुका है 12.0.1.0। सो एंड्रॉइड 11 का अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसके अंदर आपको जुलाई का लेटेस्ट सिक्योरिटी पेज का जो अपडेट है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जो अपडेट है इसके लिए आप लोग OTA अप्लाई नहीं कर सकते हो लेकिन रिकवरी रोम है उसको आप लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो अपडेट है वो आपको ओनली MI पायलट जो यूजर है उन्हीं के लिए यहाँ पर देखने को मिला है। वही दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं एक और डिवाइस के बारे में जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Poco X2। Poco X2 के लिए पहले भी एक अपडेट देखने को मिला था जो कि आपको ओनली MI पायलट यूजर है उन्हीं के लिए यहाँ पर देखने को मिला था लेकिन पब्लिक रोल आउट है वो अभी यहाँ पर हो चुका है जो कि है MIUI 12.5। और आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आपको इतने सारे चेंजेस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो है वो यहाँ पर बना रखी है 54+ अमेजिंग फीचर की वीडियो। सो आपको उसका वीडियो का जो लिंक है वो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, जरूर से यहाँ पर विजिट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों बात करूं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आपको देखने को मिलता है Redmi Note 8 2021। सो आपको ग्लोबल स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है 12.5.5.0। और इस अपडेट के अंदर मैं आपको ओनली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ओनली आपको इंडिया और ग्लोबल के जो अपडेट है वो यहाँ पर बताता हूँ क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे यूजर हैं जो कि यहाँ पर ग्लोबल का डिवाइस है उसको यहाँ पर यूज करते हैं। सो आप लोग नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं आपका डिवाइस है वो यहाँ पर कौन से रीजन का है। और अगला अपडेट आपको देखने को मिलता है Redmi 9C और इसकी टोटल साइज आपको
262 MB की यहाँ पर देखने को मिलती है 12.0.15.0 और ये जो अपडेट है वो यहाँ पर अगेन आपको MI पायलट यूजर है उनके लिए यहाँ पर देखने को मिला है। पब्लिक रोल आउट है वो आपको 1 से 2 वीक के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में मैं आपको यहाँ पर वीडियो को स्टार्टिंग में बताना था, जो कि है MI 10 न्यू रैम एक्सपेंशन फीचर। सो ये फीचर बहुत ही कमाल का अगर आप लोग गेमिंग करते हो और अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर मतलब यहाँ पर फोटो वीडियो को यहाँ पर एडिट करते हो, जैसे कि मैं अपना डिवाइस है उसके अंदर वीडियो को यहाँ पर एडिट करता रहता हूँ, सो मेरे डिवाइस के अंदर रैम है वो मुझे यहाँ पर सफिशियंट देखने को नहीं मिलती है। सो आप लोग 3GB रैम है उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करना है, कौन कौन से डिवाइस के अंदर ये वाला फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, अगर आप लोग चाहते हो तो नीचे कमेंट में एक बता देना कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए, मैं डेडिकेटेड वीडियो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर कल लेके आ जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों बात करूं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है MI 9 Lite 12.5 का अपडेट फाइनली यहाँ पर रिलीज हो चुका है इंडिया के अंदर। सो आप लोग MI 9 Lite डिवाइस के यूजर हैं सो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखने को मिलता है Poco X3। जी हाँ गाइस, Poco X3 डिवाइस के अंदर आपको एक नया अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली देखने को मिल चुका है 12.0.2.0 और पीछे वाला जो अपडेट था एंड्रॉइड 11 का बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बगी अपडेट है वो आपको यहाँ पर कह सकते हो, लेकिन सारे अपडेट के जो बग है वो यहाँ पर मे भी फिक्स हो सकते हैं इस अपडेट के अंदर, क्योंकि आपको 700 MB की एक मैसिव साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। सो ये भी आपको अपडेट 1 से 2 आवर के लिए यहाँ पर देखने को मिला था और ये जो अपडेट है वो पब्लिक रोल आउट 1 से 2 वीक के अंदर सभी यूजर है उनके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अगर आपको अपडेट के अंदर कोई बग है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और इसका रिकवरी रोम है वो भी मेरा जो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर आप लोगों को यहाँ पर शेयर कर दिया है, अगर आप लोगों ने इसको अभी तक भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, 2K मेंबर है वो जो कि यहाँ पर अभी यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, सो आप लोग इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म करता हूँ कि अपडेट है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है। जैसे कि आज Poco X3 डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पर देखा और अपने डिवाइस के अंदर उसी टाइम पे यहाँ पर चेक कर लिया कि अपडेट आया है या फिर नहीं, सो उनको अपडेट मिल गया और जिन लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर रखा है उनको अपडेट है वो यहाँ पर मिस हो जाता है। और दोस्तों अगला अपडेट आपको देखने को मिलता है MI 11 X Pro। सो इसका तो मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन आप लोग OT अप्लाई है यहाँ पर कर सकते हो 12.5.1.0 और जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा डिवाइस है सो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप लोगों ने गेस किया होगा या फिर नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये आपको डिवाइस देखने को मिलता है Redmi Note 10 Pro Max। यहाँ पर Redmi Note 10 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये Redmi Note 10 Pro Max है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कैमरे से आप लोगों को पता चल रहा होगा। और इसके अंदर आपको लास्ट अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, मतलब कि इस वीडियो का लास्ट अपडेट है वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सो पता नहीं यार क्यों हाँ आ चुका है, 12.5 का अपडेट है वो आपको देखने को मिल चुका है 12.5.4.0 और अगर आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो आप लोगों को यहाँ पर जरूर से देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोगों को इस थीम के बारे में जानना है सो इसका नेम है सुपर iOS, सो इसका जो लिंक है वो मैं भी आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर से यहाँ पर चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।